मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से जुड़ी खबर है। कल परमवीर सिंह को मुंबई की एक अदालत ने भगौड़ा घोषित किया और आज सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत उनको नहीं मिली। मैं आपके सामने परमवीर की शहर दर शहर करोड़ों की प्रॉपर्टी का कच्चा चिट्ठा रखूंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच बैठी। जस्टिस कौल ने परमवीर के वकील से पूछा, पहले ये बताइए कि आप हैं कहां, भारत में हैं या बाहर हैं, इसके बिना आपकी याचिका नहीं सुनी जा सकती। इस पर परमवीर के वकील पुनीत बाली ने जवाब दिया, याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिनिधि के जरिए याचिका दाखिल की है, मुझे दाखिल करने वाले वकील से जानकारी लेनी होगी। इस पर परमवीर के दूसरे वकील ने कहा, मुझे भी पता नहीं, लेकिन याचिकाकर्ता को सांस लेने का मौका चाहिए, फिर वो खुद सामने आ जाएंगे। तब जस्टिस कौल ने कहा, आप अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं, हमें यह भी नहीं पता कि आप कहां हैं। अगर आप विदेश में बैठे हैं और राहत मिलने पर वापस आएंगे तो इन बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट नाराज था। अगली सुनवाई सोमवार को होगी, उस दिन बताएं कि आपके मुवक्किल कहां हैं, तभी सुनवाई आगे बढ़ेगी। जजेस ने बहुत साफ कर दिया परमवीर सिंह और उनके वकीलों को। मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से जब परमवीर सिंह को हटाया गया था तो उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का बेहद गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन खुद परमवीर एक बार मालिक से वसूली के आरोप में फंसे हैं तो वो खुद फरार हो गए हैं। अनिल देशमुख जेल में है, वो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन परमवीर सिंह जो कि रक्षक थे, वर्दीधारी थे, पुलिस कमिश्नर थे, वो कहां है किसी को पता नहीं है। लेकिन मुंबई से लेकर फरीदाबाद और चंडीगढ़ तक हमारी टीम परमवीर की कई आलिशान प्रॉपर्टी का आज कच्चा चिट्ठा निकाल कर लाई है। एक आईपीएस अफसर है, कुछ लाखों में इनकी तनख्वाह होती होगी, लेकिन आज जब इनकी प्रॉपर्टीज की तस्वीरें अब आपके सामने आएंगी तब आप देखिएगा, आपकी आंखें भौचक की रह जाएंगी। आपको देखनी चाहिए मेरे सहयोगी मुंबई से रौनक कुकड़े, सूरज ओझा, फरीदाबाद से मनोज वर्मा और चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जुहू में 4,64,00,000 की मिल्कियत, नवी मुंबई में 2,24,00,000 रुपए का फ्लैट, चंडीगढ़ में 4 करोड़ की आलीशान हवेली, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक भगौड़ा। जी हां, भगौड़ा। चंद दिनों पहले तक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की गिनती सबसे रसूखदार अफसरों में होती थी, लेकिन आज उनकी पहचान एक भगोड़े की है। अवैध वसूली मामले में परमवीर सिंह पिछले एक महीने से अंडरग्राउंड है और इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस जल्दी ही उनकी सल्तनत की सीलबंदी करने की तैयारी कर रही है जो महाराष्ट्र से लेकर चंडीगढ़ तक फैली है। एबीपी न्यूज के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बतौर पुलिस कमिश्नर सिर्फ 2.25 लाख की सैलरी लेने वाले परमवीर सिंह ने मुंबई में कई प्रॉपर्टी खड़ी की है जिनमें से एक जुहू इलाके में है। इस प्रॉपर्टी को परमवीर सिंह ने लगभग 25 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन अब इसकी कीमत करोड़ों में है। ये जो सोसाइटी दिखाई दे रही है, इस सोसाइटी में परमवीर सिंह का एक फ्लैट है। इस प्रॉपर्टी की वो साल 2003 में लिया गया था जिसकी फिलहाल की जो वैल्यू बताई जा रही है वो 4,63,00,000 रुपए है। सिर्फ जुहू ही नहीं बल्कि नवी मुंबई में भी परमवीर के नाम एक आलीशान आशियाना है जिससे वो सालाना लाखों में मुनाफा कमाते हैं। ये प्रॉपर्टी नवी मुंबई के सबसे पॉश इलाके में है।
परमवीर सिंह ने जनवरी 2021 में जो डिटेल्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की सरकार को दी थी उसके मुताबिक तीसरे नंबर पर जिस प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने जिक्र किया था वो मुंबई से सटे नवी मुंबई के नेरुल में मौजूद है शगुफा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तीसरे फ्लोर पर पाम बीच रोड के बिल्कुल नजदीक ये प्रॉपर्टी है और इसकी मौजूदा कीमत 2,24,00,000 रुपए बताई जाती है। मुंबई और नवी मुंबई में परमवीर सिंह के नाम जितनी प्रॉपर्टी है उन दोनों की साझा कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए है। दोनों संपत्तियों से सालाना 10,00,000 रुपए के करीब कमाई भी होती है, लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टी से भी महंगी एक प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है और वो है ये कोठी। सरकारी कागजों में इस आलीशान कोठी की कीमत 4 करोड़ दर्ज है, लेकिन चंडीगढ़ के पौश इलाके में मौजूद इस सल्तनत की कीमत 8 करोड़ के करीब बताई जा रही है। ये प्रॉपर्टी परमबीर सिंह के पिता होशियार सिंह की थी, जिसमें परमबीर सिंह के अलावा उनके दो भाइयों मनबीर सिंह और तेजबीर सिंह का भी शेयर है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास भी परमबीर सिंह की एक प्रॉपर्टी है, हालांकि अब ये जमीन वन विभाग के पास है। इसी कांत एनक्लेव के अंदर प्लॉट नंबर 83 ब्लॉक 1 में परमवीर सिंह की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसको परमवीर सिंह ने 14,00,000 रुपए में खरीदा था। फिलहाल यहां पर अब जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये जमीन थी वन विभाग की थी और वन विभाग केस जीता और उसके बाद जो भी अवैध निर्माण यहां पर हुए थे उन सभी को यहां से हटा दिया गया। कुर्की से पहले 30 दिनों का वक्त दिया जाता है, आज एक दिन खत्म हो गया है और अगर बाकी के 29 दिनों के भीतर परमवीर सिंह हाजिर नहीं हुए तो उन पर कार्यवाही की गाज गिरनी तय है। परमवीर सिंह कभी कानून के रखवाले होते थे, वर्दीधारी होते थे, लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ 3-3 गैर जमानती और 1 जमानती वारंट है और वो भागे भागे इस वक्त अपनी ही पुलिस से फिर रहे हैं। परमवीर को मुंबई के किला कोर्ट ने कल भगोड़ा घोषित किया था। 9,00,000 रुपए की वसूली मामले में वो भगोड़ा है। गोरेगांव में एक बार मालिक की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बार ओनर ने परमवीर और सचिन बाजे समेत कुछ लोगों पर वसूली का मामला दर्ज कराया था। अब भगोड़ा घोषित होने के बाद 30 दिन में पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त होनी शुरू होगी, यानी परमवीर के पास 29 दिन का समय अभी बाकी है। उन पर भ्रष्टाचार और वसूली के कई आरोप लगे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस और उसकी SIT के कई बार बुलाने पर भी परमवीर सिंह पेश नहीं हुए हैं। जुलाई महीने में ही परमवीर के खिलाफ ठाणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था ताकि उनकी निगरानी होती रहे कि वो देश छोड़कर भागे नहीं, पुलिस को उनके मौजूदगी के बारे में जानकारी हो। ऐसा चांदीवाल आयोग के सामने पेश न होने पर नोटिस मिला था। यह आयोग अनिल देशमुख पर आरोपों की जाँच के लिए बनाया गया था। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन पर परमवीर ने 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। पेश न होने पर 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी लगाया, लेकिन परमवीर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। वो एक बार मुंबई से गायब हुए तो पहले कहा गया कि वो हरियाणा में हैं, फरीदाबाद में हो सकते हैं, चंडीगढ़ में हो सकते हैं जहाँ उनके पुराने घर हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिले हैं। मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं परमवीर सिंह। ABP News, आपको रखे आगे।